हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आरआरबी एनटीपीसी सॉल्व पेपर CBT 1, और इसमें रहेंगे 1 to 60 क्वेश्चंस। सो बिना डिले हम चलते हैं सीधा बुक पर। और आई होप यू गाइस लाइक द सेशन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अपने दोस्तों को भी भेजना मत भूलना, ताकि वो भी जल्दी जल्दी परीक्षा में पास हो जाए और सबके पास नौकरी हो जाए। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, किसके दिल में धक धक हो रही है इस बुक को देख के? तो आप मुझे ये बताओ, ये बुक है NTPC स्नातक एवं गैर स्नातक की परीक्षा सॉल्व पेपर्स हैं, और ये TCS पैटर्न पे आधारित है, और इसमें 125 ऑल सेट्स रहेंगे। इसके अलावा ये YCT यूथ कंपटीशन की बुक है, यूथ पब्लिकेशन का। और अगर मैं बात करूं तो ये अभी का है, रिसेंट का है, 2024-25 का, और इसमें रहेगा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेगा। RRB NTPC के सॉल्व पेपर्स रहेंगे, और चूंकि आप भी जानते हो नॉन टेक्निकल है, गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि का स्नातक परीक्षा है NTPC। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। अब थोड़ा और पास में आते हैं। हाँ, अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये RRB NTPC एग्जाम 2019 स्टेज फर्स्ट, तो इस फेज फर्स्ट से रहेगा फेज नंबर 7 तक। अब फेज वन में रहेगा, देखिए RRB NTPC परीक्षा हेल्ड हुई थी 2020 में, फेज वन में भी है, फेज टू, फेज थर्ड, फेज फोर्थ, फेज फिफ्थ, फेज सिक्स एंड फेज सेवन्थ। तो ये सातों फेजों में है, और चैप्टर वाइज नाम भी लिखा हुआ है। जैसे फेज वन में दिया है तो RRB NTPC परीक्षा 2019 में, 2020 में हुई थी इसके शिफ्ट वन में, और सेम 2019-20 दिसंबर में, और फिर जनवरी में ऑलमोस्ट पूरा हुआ था RRB NTPC परीक्षा का। फिर इसके बाद फेज टू हुआ था जनवरी में, और जनवरी में ही हुआ था, क्या बोलते हैं, 16 जनवरी से 25 जनवरी के बीच हो गया था RRB NTPC परीक्षा। तो सीधा सीधा आप एक रफली आइडिया लगा लीजिए कि जो फेज वन रहेगा, तो वो जो फेज वन होगा उसके 10 या 15 दिन बाद, या फिर विद इन अ मंथ फेज टू हो जाएगा। फिर इसके बाद है फेज थर्ड। अब फेज थर्ड का अगर हम ले तो ये जनवरी में हुआ था, 25 जनवरी को लास्ट फेज सेकेंड, और 4 फरवरी से, मतलब विद इन वन वीक या फिर एक दो हफ्ते के अंदर फेज थर्ड हो गया था। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला दोस्तों, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। तो ये फेज नंबर 3 हो गया। और फेज फोर्थ की बात करें तो ये फेज नंबर थर्ड तो स्टार्ट हुआ था फरवरी में, और इसके साथ साथ फिर एक हफ्ते बाद, एक या डेढ़ हफ्ते बाद फिर से हो गया था फेज फोर्थ के एग्जाम से स्टार्ट हो गए थे। जैसे देखो आप 15 to 2021, और ये फेज थर्ड हुआ था चार फरवरी 2021 को, और फेज फोर स्टार्ट हो गया था 15 फरवरी 2021 को। इसके बाद आगे चले गए हम फेज फाइव, तो फेज फाइव में है ये मार्च से स्टार्ट हो गया, तो मतलब ये 3 मार्च को खत्म हुआ था, और यहाँ फेज फाइव में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, 4 मार्च 2021 से खत्म, मतलब स्टार्ट कर दिया था इसने, और 27 मार्च तक चले थे। और इसमें भी शिफ्ट वाइज है, शिफ्ट वाइज तो आपको पता है कि शिफ्ट वन एंड शिफ्ट सेकेंड में होगा। फिर इसके बाद है फेज नंबर 6 में जाएंगे अगर हम, तो RRB NTPC परीक्षा फिर से देखिए ये अप्रैल में स्टार्ट हो गया था, मतलब ये फेज फाइव 27 में 2021 को खत्म हुआ था। इसके अलावा ये फेज 6 स्टार्ट हो गया था 1 अप्रैल से, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बिल्कुल कंटिन्यू जा रहा था। फिर फेज नंबर 6 में जाएंगे अगर हम, तो फेज नंबर 6 देखिए, फेज 5 हमारा खत्म हुआ था 27 मार्च को, और फेज 4 तो 1 तारीख से ही स्टार्ट हो गया था, मतलब बिल्कुल भी उसने समय नहीं दिया था। फिर फेज 7 की बात करो तो ये 27, मतलब इसमें 3 महीने का समय लगभग मिल चुका था, और ये मार्च अप्रैल में था खत्म, और फिर इसके बाद हुआ था जुलाई में। तो हमें ऑलमोस्ट सारे फेजेस में रेगुलर एग्जाम्स चलेंगे, बस थोड़ा ही टाइम मिलेगा, एक एक डेढ़ डेढ़ हफ्ते, अकॉर्डिंग टू शिफ्ट और आपका रोल नंबर किस हिसाब से है उस हिसाब से, और बाकी तो बिल्कुल भी समय नहीं है। मैक्सिमम आप 15 डेज का टाइम मांग लो, वो भी रफली अगर आपका लक अच्छा हुआ तो। अब इसके अंदर चले हम, तो 2021 में RRB द्वारा NTPC के समस्त परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का संपूर्ण संकलन है, और इसमें दिया हुआ विस्तृत व्याख्या सहित हल एवं RRB की आंसर की द्वारा प्रमाणित। तो ये हमारे पास एक एडिशनल बेनिफिट है। अब हम बैक में जाएंगे तो बैक में सीधा सीधा कुछ नहीं है, इनमें प्रकाशन दिया हुआ है कि और कौन कौन सी हमारी यहाँ बुक हैं। तो RRB सॉल्व 2 NTPC मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 3 है, मॉड्यूल 4 है, 4 है इसमें। तो ये चारों हैं TCS पैटर्न पे, और आप देख सकते हैं, और ये दोनों माध्यम में उपलब्ध है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में।
और सेम ऐसी है ये हिंदी मीडियम पे, और सेम इधर चले जाएंगे अगर तो ये अपन अपना इंग्लिश मीडियम में आ जाएगा। RRB NTPC, NTPC सॉल्व पेपर वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4 सेम है। और ये सारा है। अब इसके अंदर का मैं कंटेंट दिखाऊँ अगर तो, जैसे आप ये फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पेपर देखिए, ये है रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय कोटि NTPC परीक्षा 2020, और ये स्नातक एवं गैर स्नातकीय परीक्षा है, और ये है फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्वेश्चंस हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, दोनों मीडियम में दिए गए हैं। इसके अलावा जो आंसर है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी मीडियम में लेना, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम में लेना, क्योंकि जो आंसर है ना वो हिंदी में दिए हुए हैं। क्वेश्चंस तो दिए हैं हिंदी इंग्लिश में, बट जो आंसर है वो हिंदी में दिए हैं, इसलिए बेटर है कि आप अगर आप अंग्रेजी से दे रहे हो तो अंग्रेजी माध्यम से ही बुक लेना। तो ये पूरा एज इट इज छाप दिया है, जितना पेपर होता है सॉल्व पेपर पूरा है। अभी हमने देखा रेलवे रेलवे NTPC परीक्षा 2020। अब इसके बाद आएगा ये, और भी दिखा देती हूँ मैं, रेलवे गैर तकनीकी लोकप्रिय परीक्षा NTPC 2021। सेम चीज़ें हैं, ये देखिए क्वेश्चंस है पहले और उसके बाद इंग्लिश में है, फिर हिंदी में है, उसके बाद फिर ऑप्शन है, और जो आंसर है वो हिंदी में ही है। तो ये सभी जगह ऐसा ही है। तो आप अगर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हो तो आप अपना मीडियम जरूर चूज कर लेना एक बार। अब दोस्तों सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है इसका प्राइस का। तो इसका प्राइस है आप देख लो 495। लेकिन मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी, सबसे पहले आप अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट में देख लेना, आपको जो ऑफर आपके लिए वैलिड सही लगे उसमें खरीद लेना। और इसके साथ साथ आप अपने लोकल मार्केट में भी विजिट कर लेना, क्योंकि लोकल मार्केट में आपको 30 से 50% तक का ऑफ मिल जाएगा। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो अगेन दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको मेरा थोड़ा सा भी रिव्यू अच्छा लगा है, देन प्लीज डू लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय एंड जरूर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।